हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। और ऐसे क्वेश्चंस जो 4 या 6 नंबर में आएंगे या आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो जो MIB सीरीज है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस, ये वही मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस हैं। तबीयत मेरी ख़राब है, इसलिए जैसे भी है कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्द ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कवर कराने की। आप प्लीज़ ये क्वेश्चंस करके ज़रूर जाइएगा इंटीग्रेशन के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये मैसेजेस आ रहे थे कि सर इंटीग्रेशन में अभी तक किया नहीं है, इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम है, क्या करें क्या ना करें। तो ये तो जरूर कर लें, बाकी कुछ करें या ना करें। ठीक, सो क्वेश्चंस कराता हूं मैं यहाँ पे और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। खासी है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज sin 2x dx टोटल अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई? So, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन 2x को आइडेंटिटी में ब्रेक करते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है साइन 2x की? सो साइन 2x की आइडेंटिटी होती है 2 sin x cos x। सो इसको हमने ब्रेक किया एज 2 sin x cos x के फॉर्म में। सो ये हो जाएगा बेसिकली 2 sin x into cos x dx टोटल अपॉन sin 4x प्लस cos 4x। So, आपको अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन मिले जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 4x प्लस माइनस इस तरीके का आपको कुछ दिया हुआ है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में, या नीचे अगर आपको सिर्फ साइन के टर्म्स में दिया है पावर 4x, कॉस के टर्म्स में दिया है पावर 4x, ऐसा अगर आपको दिया है, नीचे आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें जो डिग्री है वो 4 के आसपास आ रही है, तो आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में? ऐसे क्वेश्चंस में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर देना है। तो कहीं कहीं पे कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करना होता है, कहीं कहीं पे कॉस की पावर 4x से डिवाइड करना होता है, डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसीलिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे कॉस की पावर 4x से। तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x टोटल cos की पावर 4x से न्यूमरेटर में डिवाइड किया, देन नीचे sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, इसको cos की पावर 4x से डिवाइड किया। ठीक, एज अ रिजल्ट होगा क्या, देखिए ये cos से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, sin अपॉन cos क्या बचेगा, tan, यहाँ पे क्यूब बचा है तो एक बचेगा tan। तो देखो इसको यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x, क्योंकि एक साइन अपॉन एक कॉस, ये हो गया tan, फिर बचा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को जब आप अपॉन में है ऊपर लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है sec स्क्वायर, तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx टोटल अपॉन साइन अपॉन कॉस अगेन tan, सो tan की पावर 4x प्लस कॉस की पावर कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर आ गया, ये आ गया यहाँ पे बेसिकली। ठीक, अभी इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट tan स्क्वायर x को t के बराबर। अब देखिए आपके बहुत सारे बच्चों के मन में यहाँ पे सवाल आएगा या मन में आएगा कि सर tan x को t ले लेते हैं, sec स्क्वायर x dx कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या आ जाएगी, ऊपर t आ जाएगा नीचे t की पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा, एज अ रिजल्ट थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, tan स्क्वायर x को ही t के बराबर ले लिया, एज अ रिजल्ट जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल लगेगा, 2 tan x into tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt, तो 2 tan x sec स्क्वायर x dx की जगह टोटल की जगह क्या आ गया, dt अपॉन tan की पावर 4x, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस 1, किसका फॉर्मूला बन गया भाई, tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, डायरेक्ट यहां पे लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c, tan इनवर्स किसके बराबर है भाई, तो tan इनवर्स t किसके बराबर है, t बराबर था tan स्क्वायर x के, सो tan स्क्वायर x प्लस c, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। कर डालो इस क्वेश्चन को, खुद लगाओ मेरे, आपको अगर ये क्वेश्चन बैठ के देख रहे हो तो नहीं आएगा, आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक खुद क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, इस क्वेश्चन को जरूर लगाएं, जरूर लगा के जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, अगेन
ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके स्पेसिमेन पेपर में दिया हुआ है, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x, स्पेसिमेन पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। फिर से कॉस की पावर 4 के फॉर्म में आ रहा है, तो क्या कीजिए आप, इसको कॉस की पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा बेसिकली, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, या फिर इसको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4 अपॉन कॉस की पावर 4, ये हो जाएगा टैन की पावर 4x प्लस 1। सो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर दिया। एज अ रिजल्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस टैन की पावर 4x। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया, सेक की पावर 4 जो आ रहा था उसको हमने ब्रेक कर लिया एज सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो उसको सेक स्क्वायर में ब्रेक कर लिया, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। ठीक, अब आगे देखिएगा। सो एक सेक स्क्वायर को अगर हम टैन के टर्म्स में कर लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टोटल अपॉन 1 प्लस टैन की पावर 4x, यहां से आ गया। ठीक है, सो सेक स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। एज अ रिजल्ट हमने क्या किया, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, यहाँ से एक सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे 1 प्लस टैन की पावर 4x dx कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक, अभी क्या कर सकते हैं यहाँ से, अभी यहाँ से अगर अपन सपोज कर लें इसको टैन एक्स को टी के बराबर रखते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाता है, जो पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, लेकिन अगर वो करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे करके देखते हैं कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी टी, और नीचे आ गया 1 प्लस टी की पावर 4। सो ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। इस तरीके से इसको हमने ब्रेक करके क्या सब्स्टिट्यूट करके लिख लिया। अब सब्स्टिट्यूशन से जब हमने यहाँ पे ये कर लिया, अब इसके बाद देखिए, अब इसको यहाँ पे आगे आपको फर्दर सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, सो दिक्कत ये आएगी कि अब क्या करें। अगर आप इसको सेपरेट आउट कर लें 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 या टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, तो वहां से इंटीग्रेट नहीं होगा, फिर वहां जाके फंस जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक स्टेप लगाना पड़ेगा, और ये आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं किया होगा ये नहीं कर पाओगे। तो ये पकड़ने वाला स्टेप है, इसको समझिएगा। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टोटल में से टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो अगर टोटल में से टी स्क्वायर कॉमन लें तो हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, टोटल में से टी स्क्वायर कॉमन लें तो ये बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये बचेगा। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन ले लिया। एज अ रिजल्ट ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर बचा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और यहां बचा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। सो अगर इस तरीके का आता है फॉर्म बनता है, तो हमको अब करना क्या होता है, बेसिकली टी माइनस 1 बाई टी को डब्ल्यू लेना होता है, यू लेना होता है, या टी प्लस 1 बाई टी को यू लेना होता है। तो करते क्या है बेसिकली, इसको समझिएगा यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे एक जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ हमने क्या लगाया, ये है आपका 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी टोटल अपॉन, इसको हम लोग ले लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। तो हमने यहाँ पे एक एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया प्लस 2 माइनस 2 का, ऐसा इसलिए किया ताकि यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। सो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2, अगर देखा जाए तो टी माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी टोटल अपॉन, इसको लिख सकते हैं टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। सो टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2। तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2, ये तीनों टर्म्स को श्रिंक करके एक साथ लिख लिया है टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, और ये वाला जो प्लस 2 बचा, इस प्लस 2 को एज इट इज यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। ठीक, अब यहाँ से फायदा क्या होगा, देखिए फायदा ये होगा कि अब यहाँ पे अगर हम टी माइनस 1 बाई टी को सब्सटीट्यूट कर दें फिर से किसी दूसरे
फंक्शन के टर्म्स में, लेट्स से यू के टर्म्स में, क्योंकि टी के टर्म्स में ऑलरेडी कर चुके हैं हमने, यू के टर्म्स में कर दिया। अब एक्स वाई जेड किसी के भी टर्म्स में कर सकते हो, एक्स में नहीं कर सकते, जेड वाई किसी के भी टर्म्स में कर सकते हो, लेट्स से यू। अब इसको अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू डी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू डी यू। अच्छा, लेकिन हमको ऊपर क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं यू। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, आपको दिखाई देगा। ओके राइट, सो इसको हमने अगर थोड़ा सा चेंज करके लिख लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, ये इसकी जगह हो गया डी यू, और इस पूरे की जगह हो गया यू स्क्वायर प्लस 2। सो फिर से अगर आप इसको देखिए तो ये किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, तो ये हो सकता है बेसिकली आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो गया, तो 1 अपॉन ए दैट इज 1 अपॉन रूट टू टैन इनवर्स यू अपॉन रूट टू प्लस सी। सो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ क्योंकि u के टर्म्स में है, हमारा क्वेश्चन x के टर्म्स में था। वापस u की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 1 अपॉन रूट टू टैन इनवर्स u, u की वैल्यू क्या थी, t माइनस 1 बाई टी, सो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट टू टी प्लस सी। सो u की वैल्यू की जगह हमने ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट की। अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लो तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टोटल टी, तो टोटल टी वैसे लिख लिया। ठीक, अभी आंसर टी के टर्म्स में आया, दिस इज ऑल्सो नॉट द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर एक्स के टर्म्स में आना चाहिए। तो टी किसके बराबर है भाई, टी बराबर है टैन एक्स के, तो जहां जहां टी आ रहा है वहां वहां टैन एक्स पुट कर दो, सो ये हो जाएगा 1 बाय रूट टू टैन इनवर्स टैन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट टू टैन एक्स प्लस सी, ये आ गया प्लस सी, ये आ गया आपका फाइनल। सो ये है पूरा फाइनल आंसर, और आप इतने स्टेप्स करेंगे तब आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। सो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा तभी होगा जब आप इसको यहाँ तक सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, डी एक्स साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये क्वेश्चन आया है स्पेसिमेन पेपर में। ये क्वेश्चन देखिए कुछ कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, ऑल दो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ये वाला क्वेश्चन किया है हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ टैन की पावर 2x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैं पहले भी MIB वाली ही सीरीज में करा चुका हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर करके आइएगा, करके जाइएगा, सॉरी आइएगा नहीं, अगर आता है तो आइएगा, नहीं आता है तो भी करके जाइएगा। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। साइन की पावर 6x को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, प्लस कॉस की पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का पावर होल क्यूब। सो हमने इसको 6 को ब्रेक किया स्क्वायर का क्यूब, 6 को ब्रेक किया स्क्वायर का क्यूब। ठीक, अब आपने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालें यहाँ से, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो ये जो माइनस प्लस है जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा। सो बेसिकली यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने यहाँ पे ए बी की जगह साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स सब्सटीट्यूट कर लिया, ये हो गया 1 का क्यूब दैट इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये भी पूरा 1 के बराबर हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। तो ये पूरी वैल्यू आ गई 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, किसकी वैल्यू, ये वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब।
तो ये है बेसिकली आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा अभी इसको अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखें इस पूरे टर्म को, तो कैसे लिख सकते हैं देखिएगा। हाँ भाई तो कैमरा बंद हो गया था, सॉरी। इसके बाद क्या होगा देखिए, 1 - 3 sin² x cos² x। अब क्योंकि ये साइन और कॉस दोनों के टर्म्स में आ रहा है, हमारा काम है इसको एक टर्म में कन्वर्ट करना। एक टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 कॉमन ले लें, 4 से डिवाइड करें और 4 से मल्टीप्लाई करें। तो 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया sin² x cos² x। अब इस स्टेप को एक बार ध्यान से समझिएगा क्या किया, क्योंकि ये साइन कॉस दोनों के टर्म्स में आ रहा है, इसको एक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 sin x cos x वाला। अब 2 sin x cos x वाला फॉर्मूला लगाने के लिए हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया। एज अ रिजल्ट ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 - 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 sin x * cos x का होल स्क्वायर। सो 4 होता है 2 का स्क्वायर, ये ऑलरेडी sin² x है, cos² x है, तो 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। 2 sin x cos x इसके बराबर होता है, ये sin 2x के बराबर होता है, तो इसकी जगह लिखा है 1 - 3/4 sin 2x का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं sin² 2x। सो sin 2x का होल स्क्वायर लिखो या sin² 2x लिखो, बात एक ही है। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 4 - 3 sin² 2x टोटल डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गई हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू, विच इज sin की पावर 6x + cos की पावर 6x। ये आ गई हमारी टोटल वैल्यू। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x dx टोटल अपॉन अंडर रूट में 4 - 3 sin² 2x डिवाइडेड बाय 4 था। अब ये 4 जब रूट से बाहर आएगा 2 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 हमने यहाँ पे ऊपर कर दिया। तो ये जो डिवाइडेड बाय 4 था, यही डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट से निकल के बना 1/2, 1/2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 2, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं भाई, अब इसके बाद, हाँ अब यहां तक आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को cos x cos 2x से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। सो न्यूमरेटर में भी cos 2x से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी cos 2x से डिवाइड करेंगे। जब न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो cos 2x ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan 2x * cos 2x का रेसिप्रोकल sec 2x dx टोटल अपॉन, यहाँ से आ जाएगा 4 cos 2x ऊपर जाएगा तो sec 2x, तो sec² 2x। अब ये sec² 2x क्यों होगा ये समझिएगा। सो cos 2x को जब हम स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो स्क्वायर रूट से भाई cos 2x बाहर कब आएगा, जब अंदर cos² 2x हो। मतलब अगर अंडर रूट में 4 है तो बाहर आके क्या हो जाता है 2। तो अगर आपको अंडर रूट के अंदर 2 को लेके जाना है, तो आप 2 को ऐसे एज इट इज नहीं ले जा सकते, आपका 2 को स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब जब आप अंदर लेके जाओगे तो 4 होगा, जब बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। कहने का मतलब ये है बस यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप cos 2x को इसके स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाओगे, तो वो cos² 2x हो जाएगा। सो 4 upon cos² 2x विच इज 4 sec² 2x माइनस 3 sin² 2x upon cos² 2x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan² 2x। तो ये हो गया tan² 2x के बराबर, ठीक। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे। अभी इसके आगे देखिए, अभी इसके आगे देखते हैं। सो अभी यहां से क्या कर सकते हैं भाई, tan 2x को अगर t ले लिया जाए, tan 2x को t ले लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 sec² 2x dx = dt। तो 2 sec 2x आ रहा है यहाँ पे, tan 2x है और sec 2x आ रहा है। ओके तो हमको तो चाहिए था sec² 2x, तब हमारा काम आसान होता, लेकिन यहाँ पे sec² 2x तो नीचे आ रहा है, sec 2x से गड़बड़ हो गया। ओके तो अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पे भाई, sec 2x से अगर गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे टी ना लें, तो अगर हम यहाँ पे टी ना लें, अच्छा अगर हम यहाँ पे tan 2x को टी ना लें, और क्या कर लें, tan 2x को टी ना लें,
हम यहाँ से sec 2x को अगर t ले लें तो sec 2x में 2 आगे आ जाएगा, sec का होता है sec x into tan x, tan 2x dx is equals to dt, तो 2 sec 2x tan 2x dx, 2 sec 2x tan 2x dx, ठीक है। ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे dt के बराबर हो गया अगर हमने sec 2x को t ले लिया। अब sec 2x को तो t ले लेंगे लेकिन यहाँ पे ये tan स्क्वायर गड़बड़ करेगा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस tan स्क्वायर को फिर से sec के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया 4 sec² 2x, तो ये हो जाएगा t² - 3 tan² x को क्या लिख सकते हैं, sec² x - 1, sec² x - 1, ठीक है भाई। tan² 2x को लिख सकते हैं sec² 2x - 1, तो ये हो गया dt इंटीग्रेशन अपॉन अंडर रूट 4t² - 3t² - -3, ये आ गया। तो 4t² - 3t² + 3, 4t² - 3t² ये हो जाएगा t², सो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट में t² + 3, ठीक। तो dt अपॉन अंडर रूट में t² + 3, यहां तक हो गया, यहां तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, dt अपॉन अंडर रूट a² + x² सो a² + x² का क्या हो जाता है, log t प्लस अंडर रूट, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं अभी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा log t प्लस अंडर रूट t² + 3 प्लस c, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्या ये फाइनल आंसर है आपका? नहीं भाई, ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों फाइनल आंसर नहीं है? क्योंकि अभी यहाँ पे आपको t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करनी है जिस टर्म में क्वेश्चन दिया था। किस टर्म में दिया था भाई? क्वेश्चन दिया था टैन 2x के टर्म्स में, सेक 2x के टर्म्स में, तो t सेक 2x था, जहां जहां t आ रहा है वहां वहां सेक 2x हो जाएगा। सो हो जाएगा लॉग सेक 2x प्लस अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 प्लस c, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा दो दो बार, तीन बार, चार बार, अच्छे से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आने के इसके चांसेस हैं, तो इसको जरूर करके जाइएगा। ऐसा ना हो कल ये पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, तो इसको जरूर करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² sin² x प्लस b² cos² x। अब नीचे देखिए, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दिया है, पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा sec² x dx टोटल अपॉन a² tan² x प्लस b² cos² से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर अपन ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx टोटल अपॉन ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो a² 1 अपॉन a² कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा tan² x + b/a का होल स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ से पूरा का पूरा a² कॉमन लेने के बाद। अब बस कुछ भी नहीं करना, टैन एक्स को टी ले लेते हैं, आंसर आ जाएगा। सो टैन एक्स को टी लेने पे इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा sec² x dx = dt, तो sec² x dx आ गया dt के बराबर, 1 अपॉन a² टोटल अपॉन ये हो जाएगा t² + b/a का होल स्क्वायर। सो बेसिकली किसका फॉर्मूला बन गया, a² + x² 1 अपॉन a² + x² दैट इज टैन इनवर्स। सो 1 अपॉन a² तो कॉमन है, ये बाहर हो गया, सो 1 अपॉन b/a टैन इनवर्स t/b/a प्लस c, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। पर अभी भी ये फाइनल नहीं क्योंकि t के टर्म्स में, वापस x के टर्म्स में पुट करते हैं, t किसके बराबर है, टैन एक्स के बराबर है। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन a² इंटू ये हो जाएगा a/b, a ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स a टैन एक्स अपॉन बी प्लस सी। सो ये आंसर आ जाएगा, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो ये a से एक a कैंसिल हो जाएगा, सो ये आ जाएगा आंसर 1 अपॉन ए बी
टैन इनवर्स ए बाय बी टैन एक्स प्लस सी, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में था तो हमने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, एज अ रिजल्ट ये पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सॉल्व होता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है भाई? सो क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन टू प्लस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे हाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं फिर से। सो एज अ रिजल्ट ऊपर बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स टोटल अपॉन कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ पे अगर सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो हम इस टू सेक्स स्क्वायर एक्स को क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी जगह लगा देते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स इज वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह हो जाएगा ये ऊपर सेक्स स्क्वायर एक्स ही रहने देते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स टोटल अपॉन टू इंटू वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ से अपन ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स टोटल अपॉन टू प्लस टू टैन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा यहाँ से सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स टोटल अपॉन टू प्लस थ्री कितना हो गया फाइव प्लस टू टैन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टैन एक्स को अगर टी ले लें, सो लेट टैन एक्स इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? डी टी लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह नीचे आ गया डी टी, ये हो गया टू टी स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक, अभी इसको क्या कर सकते हैं, इसको टू अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो ईजिली हो जाएगा, सो ये हो जाएगा डी टी वन बाय टू बाहर कर दिया तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस फाइव बाय टू, और इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर देंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बेसिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो वन अपॉन टू कॉमन है बाहर किया तो ये हो जाएगा वन अपॉन रूट फाइव बाय रूट टू इंटू टैन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट फाइव बाय अंडर रूट टू प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या थी भाई? टी की वैल्यू थी टैन एक्स, तो वापस हम लोग यहाँ पे टैन एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा वन बाय टू रूट टू बाय रूट फाइव इंटू टैन इनवर्स रूट टू टैन एक्स अपॉन रूट फाइव प्लस सी। सो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे भी क्या था, क्योंकि कॉस स्क्वायर था तो इसलिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप इनको ध्यान से देखिए तो ये एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, बस करना इनको एक ही स्टाइल से, क्वेश्चन अलग है करना एक ही स्टाइल से। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चंस जरूर कर लीजिए, ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स अंडर रूट में दिया हुआ है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में अगर देखें कैसे करेंगे तो वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स, वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? सेक्स स्क्वायर एक्स। सो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स टोटल अपॉन अंडर रूट वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स। अब ये तो बहुत ही लोलू क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हो गया डायरेक्टली, कैसे हो गया? अब यहाँ पे अगर टैन एक्स को टी रख लें तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ये डी टी के बराबर आ जाएगा। सो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? डी टी, तो ये हो गया डी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। सो वन माइनस टी स्क्वायर किसका हो गया? साइन इनवर्स का हो गया। ठीक, तो ये हो गया साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब टी किसके बराबर था? टी बराबर था टैन एक्स के, तो ये हो गया साइन इनवर्स टैन एक्स प्लस सी, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, साइन इनवर्स टैन एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। सो हो गया बेसिक क्वेश्चन। ठीक,
आसान था, इजी था, डायरेक्ट हो गया ये, बस आपने आइडेंटिटी लगाई और फिर उसके बाद ये होता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -3 इंटू 5 वन बाई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू 5 वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी। कह रहा है फाइंड के, सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लिया। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ इनके भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इन क्वेश्चंस को भी कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी अभी तक आपने गेस्ट पेपर्स नहीं लिए तो भाई ले डालो गेस्ट पेपर्स, सारे पाँचों गेस्ट पेपर्स अलॉन्ग विथ सोल्यूशन सब कुछ है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। तो टेंशन नहीं लेना, गेस्ट पेपर कर डालो, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है फंस जाए एज इट इज, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। आप उसको गेस्ट पेपर की तरह भी ले सकते हो, आप उसको प्रैक्टिस पेपर्स की तरह भी ले सकते हो, आप उसको सैम्पल पेपर्स की तरह भी ले सकते हो। कर डालो, करना जरूरी है। पीसीएम अगर आप ग्रुप से हो या अगर आप पीसीबी ग्रुप से हो तो आज गेस्ट पेपर्स पे डिस्काउंट भी लगा दिया है कॉम्बो वाले पैक पे, तो सिर्फ आज के लिए है। वो बच्चे जो पीसीएम का गेस्ट पेपर्स लेना चाहते हैं उनको 10% का डिस्काउंट है, वो बच्चे जो पीसीबी का गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं उनको भी 10% का डिस्काउंट है, सिर्फ आज के लिए, जो आज रात 12 बजे तक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो इसको इंटीग्रेट करना है, ये इसके बराबर है, कह रहा है के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें यहां से तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट 1/x² को टी के बराबर। अगर 1/x² को टी के बराबर ले लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा -2/x³ डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। -2/x³ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब ये आ जाएगा -2x³ - 3 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो डी टी को हम लोग -2 को उधर भेज दीजिए, तो डी टी को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं x³ - 3 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी -2। सो x³ - 3 डी एक्स, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? -1/2 डी टी इंटीग्रेशन। -1/2 कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया, बचा क्या? बचा यहाँ से 5 की पावर t। सो a की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? a की पावर x log a। ये हो जाएगा -1/2 5 की पावर t log 5 प्लस c। ये आ जाएगा इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन। ठीक, तो हमने क्या करना है, लेफ्ट वाला साइड जो हमको दिया है इसको इंटीग्रेट करना है। हमको इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकालना था, जो हमने निकाल लिया। अब इस वाले पार्ट को आप कंपेयर करो इस वाले पार्ट के साथ और तब आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। तो अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं -1/2 log 5 इंटू 5 की पावर t प्लस सी। अब 5 की पावर t, t किसके बराबर है? 1/x² के बराबर है, तो 5 की पावर t ना लिख के इसको हम लोग लिख लेते हैं 5 की पावर 1/x² प्लस सी। तो इसको हमने और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अब इसको जिससे कंपेयर करना है वो भी लिख लेते हैं। तो कंपेयर के लिए ये दिया है के इंटू 5 की पावर 1/x² प्लस सी। तो हमको अब के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए 5 1+x² ये वाला पूरा टर्म एज इट इज़ आ गया, सी वाला पूरा टर्म एज इट इज़ आ गया, तो जो के है वो बचे हुए टर्म के बराबर है। तो के किसके बराबर है यहाँ से? सो के विल बी इक्वल टू -1/2 log 5। ये आ गया आपका फाइनल। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको 4 नंबर में भी मिल सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको 1 नंबर में भी मिल सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में, वहाँ पे आपको के की 1-2 वैल्यूज दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, इसको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा, आ सकते हैं 1-2 नंबर 4 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ टैन की पावर 4x dx इज इक्वल्स टू ए टैन क्यूब एक्स प्लस बी टैन एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालनी। ठीक, तो टैन की पावर 4x dx का इंटीग्रेशन कैसे करें भाई? तो टैन की पावर 4x dx का इंटीग्रेशन LHS सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स, और एक टैन स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर लिया एज sec² x + 1 dx।
तो हमने क्या किया, ये जो tan की पावर 4x था इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, एज tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, एक tan स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म्स में, ठीक है। अब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स टोटल का dx। तो हमने इस tan स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा लिया इस तरीके से आगे। अब tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो tan स्क्वायर एक्स को हमको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा इंटू इट्स आइडेंटिटी। तो इसको लिखा tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स, और इसको भी डी एक्स यहाँ पे कर लिया। तो हमने क्या किया, इसको अलग कर लिया, tan स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर लिया एज 1 प्लस sec स्क्वायर एक्स दो पार्ट में, तो sec स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन और 1 का अलग इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो इसको अगर हम ले लेते हैं आई वन, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हो जाता है tan x प्लस x, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस x, ठीक है। इसका तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, सो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अगर हम यहाँ से tan x को t ले लें तो आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो tan x टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस tan x प्लस एक्स प्लस सी। अब t किसके बराबर था, tan x के बराबर, तो ये हो जाएगा tan क्यूब एक्स अपॉन थ्री प्लस tan x प्लस एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा पूरा एल एच एस सॉल्व करने पे। अब इसको अगर आर एच एस से कंपेयर करें, आर एच एस में दिया है a इंटू tan क्यूब एक्स प्लस b इंटू tan x प्लस सी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से, कंपेयर कर लें दोनों को तो ए बी सी की हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो कंपेयर करने पे ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 1/3। इन दोनों में tan क्यूब एक्स यहाँ पे भी है, tan क्यूब एक्स यहाँ पे भी है, ए की वैल्यू 1/3, tan x यहाँ पे भी है, b की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक, c की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ए बी सी, ए की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू सॉरी 1, ये आ गई ए बी सी तीनों की वैल्यूज, ठीक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इसके आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर के एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 ई की पावर 2x स्क्वायर प्लस सी। कह रहा है फाइंड के। अब ये क्वेश्चन अगर आएगा तो हो सकता है आपको एक नंबर में भी आ जाए ये क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, इंटीग्रेशन बाई ई का करते हो तो कभी भी पावर चेंज नहीं होती है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है ना, और फाइनल आंसर में ई की पावर 2x स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो k की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आप क्या बता सकते हो, 2 के बराबर। तो अगर ये एक नंबर का आता है क्वेश्चन, ऑप्शंस दिए हैं, आपको डायरेक्ट ऑप्शन को चेक कर देना है, जो भी ऑप्शन आपके हिसाब से k इज इक्वल टू 2 वाला जो भी ऑप्शन होगा आपको उसको टिक कर देना है, आपको सोल्यूशन नहीं देना है एक नंबर के क्वेश्चन में। MCQs वाले क्वेश्चन में यू डोंट हैव टू शो द स्टेप्स, यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर, ओके। सो MCQ के लिए यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर, वेयर एज अगर ये सारी चीजें अगर चार नंबर में देगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे ये भी दिखा देते हैं भाई आपको। सो सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम के एक्स स्क्वायर को अगर टी ले लेते तो ये आ जाता 2kx dx इज इक्वल टू डी टी। सो यहाँ से x dx आ जाता डी टी बाय 2k। सो x dx की जगह क्या आ जाता, ये आ जाता डी टी अपॉन 2k। तो ये 2k को हम बाहर कर लें, ठीक, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा e की पावर t dt, ठीक। सो e की पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाता, तो ये आ जाता 2/k e की पावर t प्लस c। t किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 2/k e की पावर 2x स्क्वायर प्लस c, ठीक। अब यहाँ से अगर आप कंपेयर कर लो इसको, अच्छा ये 2k नीचे था, 1/2k है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2k 1/2k 1/2k। तो अब यहाँ से भी आप इन दोनों को कंपेयर कर लो तो कंपेयर करके आपको k की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 2 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 रखोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली k की वैल्यू 2 के बराबर मिल जा रही है। तो ये है इसका फाइनल आंसर। ठीक, कमेंट करके ज़रूर बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको क्वेश्चंस हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हेल्प कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस मैं अभी और 2-3 दिन तक लाता रहूंगा। आज शाम को 8 बजे से हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट आज हम लोग रिवाइज करेंगे। सारे बच्चों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, 8 बजे लाइव आ जाइएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट नहीं समझाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझने हैं तो वन शॉट वीडियोज ऑलरेडी डाल दिए हैं हमारी माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल पे, हमने सारी शीट्स डाल दी हैं। अगर आप उन शीट्स का यूज़ करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ से सारी की सारी शीट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो भी आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। दिस क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 6 साइन 5 एक्स की पावर 7 dx is equals to k by 5 cos 5x की पावर 7 plus c। अब इसमें यहाँ पे k की वैल्यू आपको बतानी है। सो k की वैल्यू सब लोग कमेंट करके बताइए कि k की वैल्यू क्या आ रही है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आप खुद सॉल्व कीजिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि इससे पहले के जो 3 क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आए हैं कि नहीं आए। ठीक है, तो इसको जल्दी से कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है जिसकी लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, गेस्ट पेपर्स के सारे नीचे लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं अगर उनमें टाइम में चेंज होता है, कोई अपडेशन होता है, वो सब आपको वहाँ तक मिल जाती है। इस पूरी क्वेश्चन के आंसर्स की PDF जो है, जो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन सारे क्वेश्चन को अगर आपको PDF के फॉर्म में भी चाहिए, ये मैं आपको PDF के फॉर्म में भी शेयर कर दूंगा। कहाँ पे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको ये पूरा PDF, पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे अगर आप सॉल्व चाहते हो PDF के फॉर्म में। अगर आप गेस्ट पेपर्स लेना चाहते हो तो माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन है, अगर आप शीट्स लेना चाहते हो तो माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको सारी शीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे हम लोग आपस में कनेक्टेड रहेंगे, मैं कुछ रील्स डालता हूँ, फनी रील्स डालता हूँ, पर्सनल रील्स डालता हूँ। आपको मेरे बारे में जानना है, मुझे आपके बारे में जानना है, वहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है, जो लिंक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे भी कनेक्ट करते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। अपना अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बोर्ड्स आने वाले हैं, 20 तारीख को मैथ्स का पेपर है, उस दिन आग लगानी है। सारे क्वेश्चन यही आने वाले हैं जो करा रहा हूँ, ऐसा मैं कामना करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।